सोलन के आश्रय गौ सदन में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में सोलन के SDM अजय यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पहला पौधा रोपकर इस अभियान की शुरुआत की। आश्रय गौ सदन द्वारा पिछले वर्ष भी पौधे रोपे गए थे, इस बार भी बरसातों में पौधे रोपे जा रहे हैं। पौधे रोपने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखना है। पौधारोपण के इस कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इस दौरान केवल उन्हीं पौधों को रोपा जा रहा है जिससे गायों को निकट भविष्य में चारा भी मिल सके और हरियाली भी गौ सदन के समीप कायम रहे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गौ सदन के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और दर्जनों पौधे उनके द्वारा रोपे गए। अधिक जानकारी देते हुए SDM अजय यादव ने कहा कि आश्रय गौ सदन बेसहारा गौ वंशों को आश्रय प्रदान कर रहा है। 100 से अधिक गौ वंशों को उनके द्वारा शरण दी गई है। उन्होंने कहा कि गौ सदन को अब और अधिक जमीन की आवश्यकता है जिसे बढ़ाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ वंशों को शरण देने से जहां एक और बेसहारा पशुओं को शरण मिलती है वहीं दूसरी और सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सकता है। हमारा जो आश्रय गौ सदन है कथेड़ बाईपास के पास, इस गौ सदन का हमें काफ़ी सहयोग मिला है। खास करके शहर और शहर के आसपास घूमते हुए जो बेसहारा पशु हैं, गोवंश है, उनको संभालने में और आश्रय गौशाला इस मामले में हमेशा आगे रहा है। आज इनके अनुरोध पे एक पौधारोपण का कार्यक्रम था जो कि सफल हुआ। आश्रय गौशाला जिसकी क्षमता 100 के आसपास गोवंश रखने की है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा पशु अभी ये जिनको संभाल रहे हैं, तो अभी इनका एक्सपेंशन का कुछ काम है और उसमें हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो एक्सपेंशन हो जाए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोवंश हम जितने भी गौशाला में लाते हैं उतने ही वो बढ़ते भी रहते हैं और शहर में भी अभी आप देख रहे होंगे कुछ बेचारा गोवंश घूम रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी किसी न किसी गौशाला में जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। नहीं, पौधारोपण का ये जो कार्यक्रम अगर आपको पता विदित होगा तो हर साल जुलाई और अगस्त माह में राज्य सरकार द्वारा एक बड़े स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। 2 हफ्ते पहले ही इसकी शुरुआत की गई थी और वो अभी अगले इस पूरे महीने तक चलती रहेगी। वही संस्था के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि संस्था द्वारा गौ वंशों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। अब उनका गौ सदन गौ वंशों से पूरी तरह भर चुका है। अब गौ सदन को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें और जमीन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उन्होंने SDM सोलन को आग्रह किया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें सरकार द्वारा यह जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज हमने आश्रय गौ सदन में पौधारोपण का प्रोग्राम रखा था क्योंकि अभी जो है बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में जो है हम पौधों को जो है यहाँ पे लगाते हैं। पिछले साल भी हमने काफ़ी पौधे यहाँ पे गऊओं के लिए लगाए थे, जैसे कि करियाल होगी, कचनार होगी और ब्यूल हो गया, जो इनके काम भी आती है, जो जिसको गऊएँ जो है खा सकती है। और मेरे हिसाब से जो पौधे हम लगाते हैं वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें स्वच्छ और शुद्ध वायु मिल सके और एक वातावरण जो है वो शुद्ध रहे। SDM साहब आज हमारे पास आश्रय गौ सदन में आए थे, उन्होंने पौधारोपण भी करा और हमें आश्वासन भी दिया है कि वो गौशाला के एक्सटेंशन के लिए जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कार्य करेंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।